तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट की वजह से निकालेंगे, और ये एक कंडक्टिंग सीट है। सीट मतलब होता है बच्चों बहुत ही थीन है और इनफाइनाइट है, मतलब ये जो है वो इन्फिनिटी को गया है। ये वाला एंड भी कहाँ गया है? इन्फिनिटी को, और ये है इन्फिनिटी को भी गया है। इस तरह से ये सारा एंड सीट का इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट का मतलब ये है कि जो चार्ज है, समझ रहे हो ना, अगर ये नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्ट का मतलब यहाँ जो चार्ज है बहुत थीन है। तो थीन सीट का क्या मतलब होता है कि एक साइड अगर चार्ज दोगे तो दोनों साइड वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये बहुत ही थीन कंडक्टिंग सीट का मतलब यही है। तो बहुत ही इनफाइनाइट थीन प्लेन सीट है। और नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब जहाँ चार्ज दोगे वहाँ जमा हो जाएगा, रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इतना थीन है कि दोनों साइड काम करेगा, ठीक है। मतलब इधर भी आउटवर्ड फील्ड है और इधर भी इनवर्ड फील्ड है उतना ही, जिसकी मैग्नीट्यूड ई है और इसकी भी मैग्नीट्यूड इधर ही ई है सिमेट्रिकली, समझ में आ रहा है। तो ये जो सीट है दोनों साइड काम कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलो तो मैं गॉस थ्योरम से इसको करता हूँ। तो गॉस थ्योरम से करने के लिए सबसे बड़ी बात कि मैं एक सिमेट्रिकली सिलेंड्रिकल बना रहा हूँ गॉसियन सरफेस। ये वाली जो चीज़ है, ये जो बनाया हूँ, ये एक गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस की वजह से इस गॉसियन सरफेस पे जो पूरा का पूरा मैं फ्लक्स निकालूंगा इस गॉसियन सरफेस से, यार समझ में। तो इस गॉसियन सरफेस को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये क्लोज नहीं है क्योंकि ये सिलेंडर बनाया, और मैं दोनों साइड से यहाँ से क्लोज कर दूँ तभी ये क्लोज सरफेस होता है। तो ये वाली चीज़, अब सिलेंडर में हम सबको पता है भाई कितने सरफेस होते हैं, बोलो। तो सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, दो सर्कल वाले, एक कर्व सरफेस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, और इस सरफेस का, ये जो सरफेस है सर्कल वाला, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सीट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो ऐसे जाएगा। तो थीटा बना ज़ीरो। तो ये जो सरफेस है, इससे जो फ्लक्स फाई वन है उसका गया थीटा ज़ीरो। सिमिलरली इसी तरह से ये एक सर्कल वाला सरफेस है, तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि सीट है ये वाला, ये भी इधर जा रहा है। इनके बीच भी थीटा कितना बना? थीटा, दोनों वेक्टर पैरेलल है, थीटा बना ज़ीरो। तो इस वाले सरफेस से मैं फ्लक्स फाई टू मानता हूँ। चलो अब ये जो ग्रीन वाला सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, तो एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सीट से ऐसे निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, तो थीटा इनके बीच का जो एंगल बना दोनों वेक्टर के बीच, वो 90 डिग्री है। तो इसका मैं सरफेस फाई, फ्लक्स फाई थ्री। तो अगर मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ बाय गॉस थ्योरम, तो उस गॉस थ्योरम से मैं देखो बड़े आराम से लिख सकता हूँ, नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, सिलेंडर के अंदर चार्ज, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इनक्लोज ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस पहले वाले सरफेस का, प्लस ई डॉट डी एस दूसरे वाले सरफेस का, प्लस ई डॉट डी एस ये तीसरे वाले सरफेस का, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दो सरफेस फाई वन और फाई टू तो यहाँ जीरो दे रहे हैं, इसका फ्लक्स जीरो, इसका फ्लक्स जीरो, और इसका फ्लक्स आ जाएगा ई डी एस कॉस 90। तो कॉस 90 की अगर यहाँ पर जीरो नहीं होगा, फाई वन फाई टू, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे फाई वन फाई टू जीरो नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ से एक मिनट, मेरे से मिस्टेक हो गया। तो फाई वन फाई टू पर यहाँ पर जो फाई थ्री है उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो जो फाई थ्री वाली फ्लक्स है वो आ जाएगी ई ए कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता तो फाई थ्री यहाँ पर जीरो होगी, जबकि फाई टू और ये आ जाएगा ई ए कॉस जीरो फाई वन प्लस ई ए कॉस जीरो वन, और ये प्लस जीरो, और इसके अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाली, तब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा टू ई ए
चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुल कितना चार्ज आएगा, तो जब इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सीट है तो यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर कितना चार्ज आया होगा, चार डेंसिटी अगर मुझे सिग्मा पता है, तो यहाँ पर एक जो सिलेंडर मुझे दिख नहीं रहा ये वाला, इसमें इसमें कुछ चार्ज आएगा जिसका एरिया, तो चार्ज इनक्लोज तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया, तो ये पूरा इसके अंदर चार्ज आया होगा ये वाला, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पर, ये जो सरफेस देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो सरफेस बना रहा हूँ यहाँ पे चार्ज होगा, और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ये इसके अंदर चार्ज आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो ए ने ए को काट दिया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों वो आया सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया अपन टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट आ रहा है और डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर नॉट, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है बच्चों किस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है चार्ज डेंसिटी पे, समझ में आया। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा अच्छे से, तो ये जो सीट है इस पे चार्ज मतलब ऐसे है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने दे रखा है इस पे सिग्मा, और मैं इस सीट से ऐसे दूर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। और यहाँ पर इधर जाओगे तो ई की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, और इधर जाओगे तो आर वेक्टर अपना पॉजिटिव है, ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। इधर जाओगे तो ई निगेटिव है और आर भी निगेटिव है, ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, सीट से चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कॉन्स्टेंट चलता चला जाएगा ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे आएगी लाइन, ठीक है ना। तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन कैसी आएगी, यहाँ से आप ग्राफ अच्छे से बना दिया हूँ मैं, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। इसकी वैल्यू है सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आसान था यहाँ पे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। ये सीट के ऊपर नीचे, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो ई की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, यहाँ से नीचे जाऊँगा तभी भी उतना ही ई की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। तो आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।